Hello everyone my name is Urvashi Tiwari this is another video of chapter number 2 adaptations for survival in plants in this video we will discuss summary of chapter number 2 before proceeding please like and subscribe my youtube channel science educator so in previous videos we have discussed about terrestrial plants टेस्ट्रियल प्लांट्स uh, में हमने फाइव टाइप्स के पढ़े थे प्लेन सेकेंड डिजर्ट्स थर्ड हिल्स फोर्थ मार्शे एंड फिफ्थ कोस्टल एरियाज ये सारे प्लांट्स के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था सी एक्वेटिक प्लांट्स फ्लोटिंग प्लांट्स फिक्स्ड प्लांट्स एंड अंडर वाटर प्लांट्स इनके बारे में भी हमने डिस्कस किया था एंड मोर ओवर नॉन ग्रीन प्लांट्स को डिस्कस किया था जैसे कि हमारा मशरूम एंड मूल्स और सेकेंड पार्ट अमेजिंग प्लांट्स जिसमें सम अमेजिंगली डिफरेंट प्लांट्स के बारे में हमने पढ़ा था जैसे कि पिक्चर प्लांट और वीनस फ्लाई ट्रैप इनके बारे में हमने डिस्कस किया था सो स्टार्ट रिकॉल विथ बिंगो जो भी आपने पूरे चैप्टर को पढ़ा है ये उसकी समरी है इसको अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिए फर्स्ट पॉइंट प्लांट्स हैव डेवलप्ड डिफरेंट फीचर्स इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन डिफरेंट प्लेसेस प्लांट्स जो होता है वो अपने आप में डिफरेंट फीचर यानी एक ऐसी विशेषता को डेवलप करता है जिसकी वजह से वो कोई पर्टिकुलर प्लेस पे अपने आप को सर्वाइव करने के लिए रह सके जैसे कि आप हिल हिली एरियाज़ में जाते हैं तो आप जब भी जाते हैं तो अपने आप को प्रिपेयर करके जाते हैं कि आप वुलन क्लोथ्स लेकर जाते हैं वैसे ही प्लांट्स भी होते हैं प्लांट्स के पास कोई वुलेन क्लोथ्स तो नहीं होते इस वजह से प्लांट्स जो है अपने फीचर को डेवलप कर देते हैं फीचर को डेवलप कर देते हैं कि वो किसी पर्टिकुलर एरिया में अपने आप को ढाल सकें सेकेंड पॉइंट द स्पेशल फीचर्स दैट अलाउ एन ऑर्गेज इन एरिया क्या हुआ देखिए ऐसा स्पेशल फीचर यानी कोई ऐसी विशेषता जो कोई भी ऑर्गेनिज्म अलाउ करता है कि वो किसी भी पर्टिकुलर एरिया में रह सके यानी अपने आप को उस परिस्थिति के अनुसार ढाल लेना ही अडाप्टेशन यानी अनुकूलन होता है अपने आप को उस विशेष परिस्थिति में ढाल लेना ही अनुकूलन होता है उसके लिए प्लांट्स या लिए, कोई भी ऑर्गेनिज्म स्पेशल फीचर को डेवलप कर देता है जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कैक्टस के प्लांट कैक्टस का प्लांट आपको पता है स्पाइंस रिड्यूस करता है यानी कैक्टस के प्लांट में कांटे आ जाते हैं तो उन, उनका स्पेशल फीचर है उनकी स्पाइंस थर्ड पॉइंट द रीजन बिहार लिविंग थिंग्स लिव और ग्रोज़ नेचुरली इज़ कॉल्ड इट्स हैबिटेट आपको पता है जैसे आप किसी एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं और आप वहाँ ग्रो कर रहे हैं नेचुरली तो वो आपका हैबिटेट है वैसे ही कोई भी लिविंग बींग जिस जगह पे रहता है लिव लिव्स मतलब रहता है और ग्रोज मतलब बड़ा होता है नेचुरली यानी प्राकृतिक तौर पर उसे हम उसका हैबिटेट कहते हैं फोर्थ पॉइंट प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट्स। आपको मैंने बताया था कि प्लांट्स को जो है टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एक होता है टेरेस्ट्रियल एंड सेकेंड होता है एक्वाटिक हम प्लांट्स को उनके हैबिटेट के बेसिस पे यानी उनके आवास पे के बेसिस पे हम उन्हें दो भाग में डिवाइड करते हैं पहला है टेरेस्ट्रियल सेकेंड है एक्वाटिक टेरेस्ट्रियल आपको पता है टेरेस्ट्रियल वो होते हैं जो लैंड एरिया में रहते हैं और एक्वाटिक वो होते हैं जो पानी में रहते हैं फिफ्थ पॉइंट द प्लांट एडाप्टल अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट कंडीशंस ऑफ इट्स हैबिटाट पता है आपको बताया था मैंने कि प्लांट जो है अपने आप को रहने के लिए अपने आप को ढालने के लिए अपने हैबिटेट यानी अपने आवाज़ के हिसाब से अपने आप को वो ढाल लेते हैं जैसे वहाँ की क्लाइमेट कंडीशन होती है जैसे आपको पता है क्लाइमेट कंडीशन मतलब जैसे वहाँ की जलवायु होती है जैसे कि हिली एरिया में आपको पता है हिली एरिया में कोन कोनिकल शेप में होते हैं पेड़ जैसे कोस्टल एरिया तटीय मैदान पे होते हैं और जैसे कि डजर्ट एरिया में यानी कैक्टस का प्लांट होता है तो वहाँ की जलवायु बहुत गर्म होती है तो उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को ढाल देते हैं सिक्स पॉइंट प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स ऐसे प्लांट जो लैंड पे ग्रो करते हैं उन्हें हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहते हैं यानी स्थलीय पौधे कहते हैं जो लैंड पे ग्रो करते हैं दे आर एडाप्टेड टू लिव इन अ वायटी ऑफ प्लेस लाइक प्लेन्स डिज़र्ट्स हिल्स माशे प्लेस एंड कोस्टल एरियाज आपको ये चीज़ें अच्छे से मालूम है कि जो टेरेस्ट्रियल प्लान्स होते हैं वो लैंड पे ग्रो करते हैं और ये अपने आप को अडाप्ट करते हैं वेराइटी ऑफ प्लेसेज यानी अलग अलग प्लेस पर रहने के लिए जैसे कि प्लेन डिज़र्ट्स हिल्स माशे और कोस्टल एरिया में सेवन पॉइंट

फ्लोटिंग प्लांट्स इन जो पानी में तैरते रहते हैं ऊपर फिक्स्ड फिक्स्ड जो इनके रूट्स जो है नीचे फिक्स्ड होते हैं और अंडर वाटर प्लांट्स मतलब जो पानी के अंदर होते हैं एर्थ पॉइंट सम प्लांट्स लाइक मशरूम्स मूल्स एंड बीच ड्रॉप्स आर नॉन ग्रीन प्लांट्स एज दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल मशरूम मूल्स एंड बीच ड्रॉप्स ये सब नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं यानी उनमें कुछ भी ग्रीन कलर का नहीं पाया जाता है जिसके वजह से वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं कर पाते हैं दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड एंड एब्ज़ॉर्ब इट फ्रॉम अदर सोर्सेज और ये जो है अपने आप से भोजन नहीं पका सकते हैं क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं इसीलिए अदर सोर्सेज से एब्जॉर्ब करते हैं नाइन्थ पॉइंट सम प्लांट्स लाइक वीनस फ्लाई ट्राप सनड्यू एंड पिक्चर प्लान्ट इंसेक्ट्स एंड आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लान्स वीनस फ्लाई ट्राप जो जिस जो ओपन अपना माउथ ओपन करके और इंसेक्ट्स को अपने अंदर खींच लेता है और सनड्यू एंड पिक्चर प्लांट ये सब इंसेक्ट्स खाते हैं इसीलिए हम इन्हें इंसेक्टिवरस प्लांट कहते हैं सो दिस इज़ योर होमवर्क रीड समरी ऑफ चैप्टर नंबर टू जो मैंने आज आपको समरी पढ़ाई है चैप्टर नंबर टू की आप उसको अच्छे से रीड करोगे अगर आप आपको समरी अच्छे से आ जाएगी तो आप जितने भी एक्सरसाइज हैं उनको बहुत इजिली सॉल्व कर लोगे इसलिए आपको ये समरी पढ़नी है चैप्टर नंबर टू की एंड प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था एक्सरसाइज टाइम उसको आप फिर से प्रैक्टिस करिए बिकॉज आई डिड नॉट गेट एनी रिप्लाई तो आप उसको प्रैक्टिस करिए और कल मैं उसका आंसर आपको बताऊँगी ओके सो स्टे सेफ स्टे हेल्दी वी विल मीट टूमॉरो विद एन अदर वीडियो थैंक यू